मैं आपको आज इस सोनीमो के जो मैंने अमेजोन से खरीदा है मिक्सर ग्राइंडर, इसका मैं रिव्यू देने आया हूँ। ये काफी किफायती और काफी छोटा सा मिक्सर ग्राइंडर है जो मैंने सिर्फ 1499 रुपए में खरीदा था। इसका मेरा सोल पर्पज था खरीदने का मुझे फ्रूट जूसेस या फिर सब्जियों के जूसेस निकालने का, क्योंकि मैंने जिम जाना स्टार्ट किया था। अब इसका बेस्ट चीज ये है कि आपको एक बॉटल के साथ भी आता है, जहां पे मैं सीधा सीधा, इसके दो ढक्कन है, एक ढक्कन जो मुझे पीसने के लिए यूज आता है तो मैं सीधा सीधा इसमें लगा के पीस सकता हूँ। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे अगर स्मूथी या फिर फ्रूट जूसेस बनाने हैं तो फिर बाद में मैं इसका दूसरा ढक्कन लगाया जो सीधा सीधा मैं बाद में कैरी भी कर सकता हूँ। अब ये ढक्कन का अच्छी चीज क्या है कि ढक्कन और बॉटल आपको लीक प्रूफ भी है, प्लस आपको कैरी करने के लिए भी काफी कन्वीनियंट है क्योंकि इसके साथ में अच्छा हैंडल भी है। अब दूसरी इसकी अच्छी बात है कि आपका टू वे स्विच है, तो आप बेसिकली कोई भी स्विच बोर्ड पे आपका लग जाएगा, तो आपको हमेशा थ्री वे स्विच की जरूरत नहीं है। प्लस एक मीटर का वायर है इसका, जो आपका काफी, मतलब आप कहीं दूर भी रखते हैं तो आपका काफी यूज आ जाता है। अब ये तो होगी इसकी खूबियां, अब आते हैं कि इसमें क्या अच्छी चीज नहीं है। तो जैसे मैंने बताया कि मेरा जो सोल पर्पज था वो जूस निकालना या स्मूथी बनाना था, उसके लिए तो ये काफी सही है। बट अगर जैसे मुझे खड़े मसाले पीसने हो या फिर ड्राई फ्रूट्स पीसने हो, जैसे बादाम हो गया, उस चीजों के लिए सही नहीं है, क्योंकि इसका जो नीचे का जो मतलब रोटर है ये आपका बेसिकली हल्के से रबर टाइप के मटेरियल का है, तो अगर इसमें आप कुछ हार्ड पीसने जाएंगे तो ये खराब हो जाएगा, फिर बेसिकली इसका कुछ फायदा नहीं है। तो अगर आपका कुछ ऐसा कुछ यूज हो जहां पे आप बेसिकली जूसेस बनाना चाहते हैं या कुछ सेमी सॉलिड मटेरियल पीसना चाहते हैं तो ये काफी सही चीज है। बट अगर आपका ऐसा कुछ यूज है जहां आपको एकदम फुल पर्पज मसाले पीसने या फिर पूरा किचन यूटिलिटी के लिए यूज करना है, तो फिर इसको आप मत ले। बाकी बाकी करते हैं।